किसी चैनल पे आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बेबी बॉय के लिए दस साल के बच्चे का आज बहुत ही सुंदर सा बूट लेके आए हैं इस बूट को बनाना बहुत ही आसान है इसको बिगनर भी बना सकते हैं क्योंकि ये बना ही इतनी आसानी से है नीचे से ये आपने सिलाई की है एक ही बार में बना दिया ऊपर से नीचे का तला अलग से नहीं बनाया है और इसमें ऊपर से स्टार्ट करके धारियाँ बनाई है धारियाँ बनाने के बाद इसको ये लुक दिया है बहुत सुंदर लुक आ रहा है जो देखिए दोनों साइड से एक जैसा और नीचे भी फिनिशिंग है तो आप 10-12 साल के बच्चे का आराम से बना सकते हैं जे वे बूट तो चलिए फ्रेंड इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने टू कलर लिया है टू कलर से हमने नाइन नंबर की सिलाई ली है नाइन नंबर की सिलाई लेकर इसमें हमने फंदे कितने डालने हैं वो हम आपको जी देखिए हमने इसके फिफ्टी फंदे डाले हैं फिफ्टी फंदे डालकर फंदे ऐसे डालने हैं आपने दो पीस लेने हैं दो पीस लेकर ऐसे फंदे डालने हैं सिंपल ऐसे तो फिफ्टी फंदे लेने हैं फिफ्टी फंदे हमने डाल लिए हैं और इसको अब हम बॉर्डर की तरह बुनेंगे तीन सिलाई ये देखिए हम इसको एक सीधा फंदा बुनेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे तो ऐसे हम बॉर्डर की शेप दे देंगे इसकी ये देखिए सीधा और उल्टा जैसे बॉर्डर बुनते हैं तो तीन सिलाइयां और बैक साइड से भी सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा और ऐसा छोटा सा बॉर्डर बन के आ जाएगा ठीक है जी देखिए फ्रेंड हमने तीन सिलाइयां बना ली है इसकी एक दो तीन एक उल्टी साइड से बुनी फिर सीधी से फिर उल्टी से अब ऐसी सीधी साइड आगे हैं तो हम सीधा सीधा बुनना है इसलिए हम इस थ्रेड को लगा लेंगे चाहे आप बाइंड कर लीजिए चाहे वैसे लगा लीजिए ऐसे इससे भी आगे का बॉर्डर बुनना है सेम जो बॉर्डर हम बुन रहे थे सीधा उल्टा सीधा उल्टा, उल्टा और सीधा हम ऐसे ही थ्रेड लगा लेते हैं बीच में ही आ जाता है तो इससे भी हम बॉर्डर बुनेंगे ऐसे देखिए सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा तो ऐसा बॉर्डर हम बुनेंगे जी देखिए कितना बुनेंगे वो हम आपको बता देते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ सिलाई बॉर्डर बुनेंगे और हम फिर सीधी साइड में आएंगे तो पहले हम आठ सिलाई का और, और तीन ग्यारह सिलाई का टोटल बॉर्डर बना लेंगे इतना बॉर्डर इस कलर से उसके ऊपर फिर हम कैसे डिवाइड करते हैं फंदों को वो भी बताएंगे तो चलिए ऐसा बॉर्डर आठ सिलाई का और बना लीजिए जी देखिए ये राइट साइड है तो हमारी आठ सिलाई होगी है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तीन सिलाई नीचे थी ग्यारह तो राइट साइड है तो ग्यारह सिलाई होगी अब बैक साइड है और बैक साइड से अब हम सीधा सीधा बुनेंगे छः सिलाई इधर से बैक साइड से भी सीधी और दूसरी साइड से भी सीधी तो हम तीन लाइने बनाएंगे इसकी ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे तो इधर उल्टी लाइन दिखेगी इधर भी आठ सिलाई दिख रही है इधर भी आठ सिलाई और बाकी हम छह सिलाई ऐसे ही बनाएंगे देखिए ऐसे जे देखिए ये राइट साइड है तो जहां हमारी उल्टी लाइन आ गई पूरी अब हमने फिर इधर से भी सीधा ही बुनना है ऐसे देखिए है हाँ ना और ऐसे सीधा सीधा बुनते ऐसी तीन लाइने बनाएंगे जी देखिए फिर तीन लाइनें हमारी बन गई एक दो तीन है हाँ ना अब राइट साइड है सीधी साइड है तो सीधी साइड से हम बीच में से फंदे बुनेंगे आगे तक और ये वाला कलर फिर लगाएंगे तो पहले हम ए वाले जो हमने जो डिवाइड किए हैं ना ये फिफ्टी फंदे थे ना 50 में से 18 फंदे हमने इधर कर लिए और जे देखिए हम आपको बताते हैं 18 फंदे इधर कर लिए 14 फंदे जे हैं 14 फिर 18 18 18 और 14 14 फंदों को हमने सीधा बुनना है तो पहले हम ये जो हमारी लाइन है इसको हम सीधा सीधा करके ऐसे बोल लेंगे जितने 18 फंदे हमारे हैं ना इसको हम सीधा ही बोल लेंगे देखिए हमने अठारह फंदे सीधे बुने अब हम कलर लगाएंगे तो कलर चाहे बाइंड कर लीजिए जहां से हमने ये उतार दी है ए, मार्क अब हम जहां बाइंड भी कर सकते हैं वैसे भी थ्रेड लगा सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा अच्छा लगता है अब ये फोर्टीन फंदे हम इस कलर से सीधे सीधे ही बुनेंगे दो तीन चार पांच छ सात आठ नाइन नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह ये देखिए चौदह फंदे हमने सीधे सीधे बोल लिए। ये मार्क भी हटा देंगे क्योंकि एटीन इधर है एटीन इधर अब इसी को वापस आएंगे पहला फंदा हम स्लिप करेंगे तभी चेन बनेगी साथ में उल्टा है तो उल्टा स्लिप करेंगे चेन से फंदे उठाने हैं ना बाद में तो ऐसे पीछे कर लेंगे अब इन फिफ्टी फोर्टीन फंदों को हम फिर सीधा ही बुनेंगे ऐसे देखिए सीधे बोलिए लिए पूरे टोटल अब जही से फिर बैग में आ जाएंगे इनको छोड़ देंगे इनको चाहे आप किसी और सिलाई में भी डाल सकते हैं इसको भी किसी और सिलाई में डालकर पिन में रख सकते हैं बीच वाले फंदों को ही बुनना है अगर आपको इजी लग रहा है साथ साथ इस सिलाई को लेते हुए बुनना तो बुन सकते हैं वरना इनको अलग से डाल लीजिए पिन में फिर इसको जो ये फर्स्ट फंदा है इसको ना उल्टा ही स्लिप करना है ऐसे बुनना नहीं है इसके बाद थ्रेड करना है पीछे इन फोर्टीन फंदों को फिर हमने सीधा सीधा बुनना है तो हम कितनी लाइनें छह सिलाई बनाएंगे दो बन चुकी है ये हमारी थर्ड सिलाई है ये देखिए तीन सिलाई बना ली हमने अब हम आते हैं बैक साइड में फिर बैक साइड में वैसे ही सिंपल इसको उल्टा स्लिप करना है थ्रेड पीछे करना है और इन फोर्टीन फंदों को फिर से बुनना है ऐसे तो बुनते बुनते पूरे फोर्टीन फंदे बुन लीजिए ये देखिए सीधा सीधा बुनना है ना पूरी टोटल स्लाइप पहला स्लिप किया था अब इधर देखिए हमारी कितनी लाइनें होगी दो लाइनें, एक लाइन और बनानी है तो फिर इसी को स्लिप करना है पीछे करना है और दो सिलाई बुनते हुए राइट साइड जहां से थ्रेड स्टार्ट किया था वहां आ जाना है जी देखिए फ्रेंड हमने तीन लाइनें बुनी एक दो तो, तीन अब इस आगे फिर इस थ्रेड से बुनना है तो हम क्या करेंगे इसको उल्टा ही स्लिप कर लेंगे पहले पहले ही स्लिप कर लिया इसको हमने इस कलर से नहीं बुना स्लिप कर लिया थ्रेड करेंगे पीछे अब इस थ्रेड को लेंगे उसको उसी कलर से ही हमने स्लिप किया है उल्टा और इसको हम बुनना है टोटल सीधे ऐसे तो इसकी भी हमने सिक्स लाइनें बुननी है और तीन लाइनें बनानी है मतलब सिलाई ये देखिए लास्ट तक हमने सीधा बुना बुना जहीं से फिर वापस आ गए और जहीं से इसको फिर हमने देखिए उल्टा ही स्लिप करना है उल्टा स्लिप करेंगे थ्रेड करेंगे पीछे और इन फंदों को फिर इसी कलर से बुनते हुए सीधी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और जहां पे हमारी चेन बननी स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसे हमने ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है ये देखिए जो लास्ट में हम फंदा उतारते हैं ना वही उसी कलर का उसको भी सीधा ही बुन लेते हैं अब फिर वापस आ जाते हैं जहां से क्योंकि हमने जही पार्ट बुनना है इस पार्ट को अभी नहीं बुनना है तो इस पार्ट को इसकी भी एक दो तीन तीन लाइनें बनाएंगे ये देखिए जैसे हमने इसमें बनाया है एक, पा, एक पार्ट ये बनाया फिर दूसरा तो ये तीन तीन लाइनें हैं एक दो तीन छह छह सिलाई तो हमने कितने कलर को कितना डाला एक दो तीन चार चार बार एक कलर डालना है और जो ये लाइनें आगे बनेंगी एक दो तीन चार चार बार इस गोल्डन कलर को डालना है चार बार मजंटा कलर को तो ऐसे हमने पैर की लेंथ ले लेनी है अगर आपके बच्चे की पैर की लेंथ और ज्यादा बड़ा है पैर तो एक दो लाइनें और डाल दीजिए अगर उससे भी छोटा है तो आप सिर्फ इतनी लाइनें ही डालिए है ना छोटा जैसे छह साल का है पांच छे साल का है सात साल का है तो ऐसे दस बारह साल के लिए इतना बहुत है टोटल सेम बनाइए के लिए हम बना रहे हैं और बहुत सुंदर बन के आएगा हम जहां तक लाइने बुनेंगे तो चार लाइने गोल्डन की और चार लाइने बजंटा कलर की उसके बाद हम फंदे उठाएंगे और फर्स्ट फंदा जरूर स्लिप कीजिए उल्टा और फिर इधर को सीधा करके बुन लीजिए उसी चेन से हमने फंदे उठाने हैं हम आपको दिखाते हैं जी देखिए जो ये चेन बनेगी ना वहां से हमने बाद में फंदे जो उठाने हैं है, है ना ये चेन बनेगी तभी वरना मजा नहीं आएगा और आ, नहीं होगी ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड लुक देगी हैंडमेड है लेकिन रेडीमेड लुक देगी जैसे कि फंदे हमने प्रोए है तो ऐसे हमने बनाना है जी देखिए फ्रेंड हमने लाइनें बना ली हैं एक दो तीन चार कलर से एक दो तीन चार गोल्डन कलर से अब इस जो हमने बनाई है उसका आप लेंथ देख लीजिए सेंटीमीटर में ही बता देते हैं ये बारह सेंटीमीटर है जहां से लेके जहां तक बारह सेंटीमीटर ये है और नीचे जो हमने बॉर्डर बुना था वो चार सेंटीमीटर था और जो बीच में हमने बुना था वो डेढ़ सेंटीमीटर तीन लाइन तो ये टोटल लेंथ जहां से लेके जहां तक Uh, 16 सेंटीमीटर होगी है अब हमने क्या करना है तीन भाग थे दो भाग हमने नहीं बुने बीच वाला बुना अब हमने ये फंदे उठाने हैं कैसे ए, जे वाला जो थ्रेड है ना जी जहां से हम काट देंगे इसको और इसको भी काट देंगे काट कर इसको बाइंड कर लेंगे आपस में क्योंकि अब हमारा ये जहां का पोर्शन फिनिश हो गया है ऐसे बांध बांध दिया अब हमने क्या करना है जहां से थ्रेड लगाना है तो जहां से थ्रेड लगाते हुए हम थ्री 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 फंदे उठाते जाएंगे तो पहले हम जहां होल ना आए जे वाला फंदा जो होता है ना जे वाला जे उठाएंगे जहां से तो ए वाला थ्रेड लगाएंगे इस थ्रेड से फंदे उठाएंगे कलर गोल्डन कलर से लाइन आएगी ये देखिए गोल्डन कलर से हमने जहां से फंदा उठाया अब तीन फंदे हम और उठाएंगे जो एक कलर के हैं तो ये चेन बनी है चेन वाली जगह से हम फंदे उठाएंगे ऐसे जहां से फिर दूसरी चेन फिर तीसरी चेन तो तीन फंदे हमने जे उठा लिए देखिए है ना अब जो आगे है आगे देखिए हमने क्या करना है जे भी तीन फंदे हैं तो तीन उठाएंगे एक चेन वाले दो, डबल चेन उठा लेंगे एक फिर दूसरी चेन दो फिर तीसरी चेन तीन तो तीन बार हमने ये फंदे उठा लिए हमारे अभी सिलाई में है तो ऐसे कर तीन इसमें तीन इसमें तीन देखिए आगे में थ्री एक दो और तीन 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 चेन है इसीलिए हम कहते हैं चेन बनाओ जो आपको आसानी से फंदे उठ जाए ठीक है तो ऐसे हम पूरे तीन तीन करके फंदे उठा लेंगे जो देखिए फ्रेंड फ्रेंड्स हमने तीन तीन, तीन फंदे उठाए हैं हमने एक फंदा जहां एक्स्ट्रा उठाया था जहां हम जो गोल्डन कलर है वहां दो ही फंदे उठाएंगे एक फंदा और दूसरा जहां से तो हम हमने दो ही फंदे उठाए हैं एक फंदा जहां उठाया था तो ये तीन हो गए तीन लाइनें तीन हो गए टोटल अब इन फंदों को भी हम सीधा ही बुन लेंगे जो हमारे ए फोर्टीन फंदे थे ना इस सिलाई पे उसको भी सीधा ही बुनेंगे तो आप सर्कुलर सिलाई में भी डाल सकते हैं दो सिलाई से भी बना सकते हैं जब जरूरी नहीं है कि आपने सर्कुलर सिलाई लेनी है अगर सर्कुलर सिलाई ले, डालेंगे तो वो भी हम बता सकते हैं आपको है ना अब देखिए अब जे फंदे हमने उठा ले हैं जहां तक सिलाई आई है आगे फिर ए लाइन में फंदे उठाएंगे इधर के तो उठा लिए इस लाइन के तो जहां भी हम दो ही फंदे उठाएंगे गोल्डन कलर के तो हम सिलाई लगा लेंगे आगे एक और ऐसे लगा ली फिर ये दो ही फंदे उठाए हैं तो जहां पर्पल के तीन उठाएंगे एक बाकी तीन तीन ही उठाएंगे एक फिर दो फिर तीन। ये पूरा 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 स्टिच उठाएंगे ऐसे चेन पूरी उठाएंगे ये बनती है ना ए एक फिर सेकंड वाली फिर थर्ड वाली तो ऐसे करते करते हम जहां तक फिर तीन तीन, तीन 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 थ्री थ्री फंदे उठा कर इस सिलाई में ले आएंगे जी देखिए जे भी तीन तीन फंदे उठा ले जे सिलाई हमारी जहीं पे है उठा लिए अब हम एक बीच में से फंदा उठाएंगे कि हमारे जहां होल ना आए तो वहां से जो फंदा उठाया है क्योंकि हमने जहां दो उठाए थे जहां बराबर आ गया तो इसको भी उठा ली बाकी फंदे हमने सीधे बुन देने हैं जो हमारे 18 फंदे हैं वो जी देखिए फ्रेंड ऐसे हमने फंदे उठा लिए दो सिलाई पे अब इस थ्रेड को तो हमने जही पे छोड़ देना है इसको आगे उधर नहीं लेके जाना जी देखिए ये पूरे फंदे उठ गए हैं अब हम इसी साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे पहले हम सीधा सीधा बुन रहे थे सीधी सीधी सिलाईया अब जो आगे का भाग पोर्शन बुनेंगे हम वो उल्टा उल्टा बुनेंगे जे वाली जो लाइन है ना ये वाली पूरा आके उल्टा उल्टा बुनेंगे तो क्योंकि हमारा थ्रेड इधर है अब हम जहां से थ्रेड लगाएंगे न्यू वाला दूसरा कलर इस कलर से बुनेंगे तो जहां पे हम बाइंड कर लेंगे और थ्रेड को लगा देंगे ऐसे तो पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे इसमें कोई फंदा हमने कम नहीं करना कोई ज्यादा नहीं करना तो जितने फंदे हैं इस सिलाई पे और दूसरी सिलाई पे पूरे कवर कर लेंगे ऐसे बुनते हुए ये देखिए राइट साइड से ऐसा दिखेगा ये देखिए फ्रेंड हमने पूरी सिलाई बना ली है अब इस सिलाई पे भी फंदे हैं तो इसको भी बुनना है क्योंकि पूरा राउंड बुनना है तो जहां भी हम पूरी सिलाई जहीं से अलगा लेंगे ना थ्रेड कलर तो इससे पूरी सिलाई बुन देंगे ऐसे थोड़ा सा टाइट करके रखेंगे क्योंकि ये सिलाई पे फंदे हैं तो टोटल फंदे जो है जितने भी बने हैं हंड्रेड बने हैं जितने भी बने हैं पूरे फंदे हमने ये उठाए हुए हैं और बुंदे बुनते हम इसकी पूरी सिलाई पूरी लाइन बनाकर फिनिश करेंगे ऐसे ये देखिए फ्रेंड हमने ना ये सिलाई बना ली है पूरी सीधी उल्टी साइड से उल्टी अब इधर से भी उल्टी क्योंकि हम आ, उल्टा उल्टा बुनेंगे अब तो हम ये छह सिलाई बुनेंगे सीधी तरफ से भी उल्टी उल्टी तरफ से भी उल्टी तो तीन लाइनें बनाएंगे ऐसे ये देखिए ये पूरी सिलाई उल्टी आ गई ऐसी तीन लाइनें देनी है जहां से बुनते हुए फिर जहां को आना है फिर जहां फिर उल्टी साइड भी पूरी ते टोटल टोटल फंदों को हमने उल्टा उल्टा छह छाइया बनानी है ये हमारी सेकंड सिलाई है जे देखिए उल्टा उल्टा बुनते हुए कवर करेंगे ये देखिए फ्रेंड हमने ये तीन लाइनें बना दी है एक दो तीन ये पूरी इधर से लेके इधर तक है ना दो सिलाइयों से ही बुना है अब आते हैं बैक साइड में है ना तो बैक साइड में हमारी छह सिलाई कंप्लीट होगी अब हमने इस कलर को छोड़ देना है इसको नहीं बुनना इससे बस इस कलर से ही बुनना है जितना भी आगे उल्टी उल्टी सिलाईया बुनेंगे इसी गोल्डन थ्रेड से ही बुनते हुए कंप्लीट करेंगे ऐसे ये देखिए पूरा बुनते बुनते हम इसको कवर करेंगे और कितनी लाइनें बनाएंगे वो हम आपको बता देते हैं ये लाइन तो हमारी ये बन गई है आगे की कितनी लाइनें हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो हम आठ लाइनें बना कर इसको कवर करेंगे आठ लाइनें बनेंगी सोलह सिलाई तो इस गोल्डन कलर से उल्टा उल्टा सीधी तरफ से भी उल्टी तरफ से भी बुनते बुनते सिक्सटीन सिलाइयाँ बनाएंगे उसके बाद फिर ये हमारा जूता बूट कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसकी सिलाई करना बताएंगे ये देखिए फ्रेंड हमने ये लाइनें बना ली हैं एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ आठ टोटल राउंड में बनाकर तो जब इसको हम डबल करेंगे तो जे सिक्सटीन सिलाई मतलब सोलह लाइने हो जाएंगी नीचे पैर को अब इतनी सिलाईया बनाने के बाद देखिए ये जो लाइन है हमने ये उल्टी बुनी है सीधी साइड से तो आठवीं लाइन है और अब हम बैक साइड से इसको बाइंड करेंगे ऐसे दो का एक किया फिर दो का एक किया फिर दो का एक किया तो ऐसे करते करते हम पूरे फंदे जितने भी टोटल है वो बाइंड कर देंगे ये देखिए ऐसी लाइन आएगी तो हम एक पूरे टोटल फंदे हमने दो सिलाइयों पे ही बनाया है तीन सिलाइयों में तीन सिलाइयों में अब ये तीन सिलाइया कवर हो चुकी थी तो हमने सोचा कि इस सिलाई से फोर्थ सिलाई लेकर हम बाइंड कर दें तो अगर आपके पास सर्कुलर सिलाई है तो उसमें एक बार में ही सारे डाल लीजिए बात वही है क्योंकि कई बहनों के पास नहीं है तो वो कैसे बनाएगी और कहां से ढूंढेगी और हमने इसीलिए आपको इन सिलाइयों पे ही बनाना बता दिया है देखिए ऐसे बाइंड होगा जी देखिए फ्रेंड हमने ये बाइंड कर लिया है अब जितना हमें सिलाई के लिए चाहिए उतना हम थ्रेड काट लेंगे बाकी काट कर रख देंगे गोले को ऐसे ये देखिए तो ऐसे बाइंड किया है कि चेन सी बन के आई है अब हमने क्या करना है इसकी सिलाई करनी है तो पहले हम इसी थ्रेड से इतनी सी सिलाई करेंगे बाकी हम इसी थ्रेड से ये पूरी सिलाई कर देंगे पूरी सिलाई करेंगे और लाइनों को आपस में मिलाएंगे और इधर से भी हम बॉर्डर को बॉर्डर के साथ मिलाएंगे जहाँ और जहाँ से जहाँ तो सुई में ये डालेंगे थ्रेड और पूरी ये सिलाई कर देंगे बराबर मिलाकर सिलाई करनी हम बहुत बार अपने चैनल पे बता चुके हैं हर सॉक्स की हम सिलाई करते हैं हर बूट की सिलाई करते हैं तो कैसे करनी है वो हम आपको बता देते हैं जी देखिए ये जो हमारी ये चेन आ रही है इसी चेन का ए फंदा उठाना है इसके साथ ये वाला और सिल देना है फिर दूसरी तरफ से भी वो ही उठाना है उल्टे के आगे दिख रहा है ना हमें ये इसी को उठाना है ऐसे और सिल देना है फिर आगे ये वाला पीस उठाना है ऐसे और फिर इधर वाला दूसरी तरफ का ये ये वाला ऐसे तो ऐसे उठाकर हमने सिलाई करनी है ठीक है ऐसे सिलते जाना है इस साइड को और जहां आकर हमने गुलाई देनी है इतने फंदों को हमने ऐसे ही ले लेना है बाहर के जो फंदे हैं चेन के इसको ऐसे लेते हुए गुलाई दे दीजिए सुई में ऐसे फिर आगे चाहे नीचे वाले फंदे लेकर ए वाली चेन और फिर जे वाली फिर जे वाली ऐसे लेते लेते हमने इतने फंदे आठ चेन इधर से आठ इधर से तो उसकी गुलाई देनी है फिर ये के बहुत सुंदर आएगी और जहाँ साइड से भी सिल देना है ये देखिए फ्रेंड हमने ये सिलाई कर दी इसको इसके साथ सिल दिया इसको इसके साथ सिलाई कर दी और नीचे ये देखिए ये पूरी सिलाई जोड़ कर की है हमने लाइन से लाइन मिल गई है ऐसे और जहाँ हमने गुलाई दी है हमने आपको बताया था ना जहाँ हम गुलाई देंगे इतने फंदों को छोड़ के तो वो गुलाई इससे पैर की शेप बहुत अच्छी आती है तो ये देखिए बनकर रेडी हो गया है अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी अपने ए, बेटों के लिए बना सकते हैं क्योंकि बॉयज के लिए है अगर आपने ये लेग लंबी रखनी है तो वो भी रख सकते हैं ऐसा ही ये देखिए दूसरा पार्ट है हमने रेडी किया हुआ था ये भी और इसको इसके ऊपर रख के हम एक पिक भी लेंगे अच्छी सी सुंदर सी आपको दिखाने के लिए तो बस ये बहुत आसान बनने वाला है इसको बिगनर भी बना सकते हैं तो चलिए फ्रेंड इसको बनाइए और अपने व्यू हमारे साथ जरूर शेयर करना और जसबीर क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके और हम अच्छे अच्छे और सॉक्स बूट्स स्लीपर बनाएंगे जो आपके काम आने वाले हैं तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक बाय बाय टेक केयर